दोस्तों पोको का X3 प्रो मॉडल है और कंडीशन क्या है मैं बताऊं आपको, फोन बंद है, फोन चालू नहीं हो रहा है। चार्जिंग पर क्या एम्पियर ले रहा है और डीसी पावर सप्लाई पर क्या एम्पियर ले रहा है वो मैं आपको चेक करवा देता हूं। फर्स्ट हम यहां पर बोर्ड केबल कनेक्ट करके यहां पर पावर सप्लाई से इसकी एम्पियर रीडिंग लेंगे कि कितना एम्पियर कंजेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर देखो जिससे पावर की मैंने ट्रिगर किया है यहाँ पर 0.150 मिली एम्पियर अप्रोक्स ये रीडिंग जा रही है, देन वहीं पर ये स्टक हो जा रहा है। ठीक है, जैसे पावर की वो मैं रिलीज कर रहा हूँ वोल्टेजेस वहीं पर स्टक हो जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा सीपीयू और रैम के कनेक्शन में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। ठीक है, या तो सीपीयू प्रॉपर कनेक्ट नहीं है या सीपीयू से रैम प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है या बॉल्स में कहीं ना कहीं ड्राइस होल्ड हो गया है। ठीक है, एक चीज़ और आपको मैं चेक करवा देता हूँ, यहाँ पर बैटरी कनेक्टर को मैंने कनेक्ट कर दिया है। देन अभी हम यहाँ पर चार्जिंग पर चेक करेंगे। मेरे पास पावर सप्लाई सुगोन की पीएम मॉडल है, सो चार्जिंग की कनेक्टिविटी भी मैं इसमें ही चेक कर सकता हूँ। यहाँ पर मैंने 5 वोल्ट सेव कर दिया है। जैसे ही मैं यहाँ पर चार्जिंग केबल को इंसर्ट करता हूँ और एम्पियर कंजक्शन आप देखेंगे यहाँ पर 0.250 मिली एम्पियर अप्रॉक्स यहाँ पर कंजक्ट कर रहा है। ठीक है, ये देखिए, तो इस रीडिंग के हिसाब से अगर देखा जाए तो जो हमारा मैकेनिक का और सनशाइन का डिजिटल डिस्प्ले चार्जर होता है उसमें 0.1 एम्पियर ले रहा है। ठीक है, तो फोन में जो प्रॉब्लम है कि सीपीयू यहाँ पर प्रॉपरली कनेक्ट हो रहा है और सीपीयू से रैम कनेक्ट नहीं हो रहा है या रैम कनेक्ट है सीपीयू से बट सीपीयू जो है मदरबोर्ड से कनेक्ट नहीं है रैम के वोल्टेजेस में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम है वो रैम के वोल्टेजेस की ही है, रैम प्रॉपरली कनेक्ट नहीं है। तो लेट्स अभी हम क्या करेंगे कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम रैम को ही रिबॉल करेंगे, रैम के रिबॉल करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास अच्छी स्किल है, हैंड स्किल सही है तो आप रैम को रिबॉल कर सकते हो, नहीं तो आपको रैम और सीपीयू दोनों को ही रिबॉल करना पड़ता है। ठीक है, अगर हम इजीली रैम को निकाल सकते हैं, कैपेसिटी है कि रैम को हम इजीली सेफली बाहर निकाल सकते हैं बिना सीपीयू के बॉल्स मेल्ट हुए, बिना सीपीयू के डिस्टर्ब हुए, तो हम रैम को निकाल कर रिबॉल करेंगे और हमारा फोन जो है रिकवर हो जाएगा। सो अभी हम यहाँ पर सिर्फ रैम को निकालेंगे और सिर्फ रैम को ही रिबॉल करेंगे, सीपीयू को हम नहीं निकालेंगे, सीपीयू को रिबॉल नहीं करेंगे। फिर मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में कि हम सिर्फ रैम को निकाल कर कैसे इसको रिबॉल करके और जो है फोन को हम ऑन करेंगे। दोस्तों टेम्परेचर यहाँ पर मैंने रखा हुआ है, मेरे पास मैं काडा की SMD अभी यूज कर रहा हूँ, इसमें मैंने 400 टेम्परेचर रखा हुआ है। ठीक है, एयर मैंने यहाँ पर 70-80 के आसपास रख ली है। ठीक है, और इजीली हमारा जो है रैम देख सकते हो निकल गया है। सो लेट्स अभी यहाँ पर हम अच्छी क्वालिटी का पेस्ट लेंगे फ्लक्स एंड उससे हम यहाँ पर क्लीन कर देंगे सभी बॉल्स को, जितना भी ग्लू यहाँ पर बचा हुआ है ब्लैक पेस्टेड, तो उस पेस्ट को हम क्लीन करेंगे एंड उसके बाद हम डिसोल्डर वायर से जो है सभी बॉल्स को इक्वल कर देंगे। सीपीयू को पूरा अच्छे से क्लीन करने के बाद हम रैम को रिबॉल करेंगे, देन फिर हम यहाँ पर रैम इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, तो हमको डिसोल्डर वायर भी अच्छी क्वालिटी का लेना है जो कि सीपीयू पर स्क्रैचेस ना करें। और इस चीज़ का भी ध्यान रहे कि जब हम आयरन को सीपीयू पर चलाएंगे तब किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं डालेंगे, आयरन को हम हल्के हाथ से चलाएंगे बिल्कुल स्मूथली, जिससे हमारा एक भी बॉल जो है आपस में स्क्रैच नहीं होगा और हमारा सीपीयू भी सेफ रहेगा। ठीक है, सीपीयू यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया है। अभी हम यहाँ पर जो है रैम को टारगेट करेंगे। ये देखो रैम पर भी जो है कुछ पेस्ट यहाँ पर लगा हुआ है ब्लैक, तो इस ब्लैक पेस्ट को हम क्लीन करेंगे। रैम को क्लीन करने के लिए अभी मैं ले रहा हूँ यहाँ पर हमारा जो रोजिन स्मोक होता है उसका मैं यूज कर रहा हूँ। तो इजीली इससे देख सकते हो किस तरह से मैं ब्लू को बिल्कुल हल्के हाथ से मैं निकाल दे रहा हूँ। सो इसी तरह से हमको बिल्कुल स्मूथली आयरन को जो रफ करना है किसी भी आईसी के ऊपर, वरना आईसी में स्क्रैचेस वगैरह अगर हो जाएंगे तो फिर हमको प्रॉब्लम होगी, फिर फोन जो है उस आईसी पे ऑन नहीं होगा। तो इसलिए हमको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसी भी आईसी पर काम करें तो थोड़ा सा आयरन को हम स्मूथली चलाएंगे। और ठीक है, यहाँ पर मैंने पूरा रैम अच्छे से क्लीन कर दिया है, अभी इसको रिबॉल करने की बारी है। तो रिबॉल करने के वोल्टेजेस वगैरह भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कंपैटिबल स्टेंसिल हम यहाँ पर ले लेंगे जिसमें हमारे बॉल प्रॉपरली आ रहे हो। मैं यूनिवर्सल स्टेंसिल ही अधिकतर यूज करता हूँ क्योंकि यूनिवर्सल में सभी आईसीज बन जाती है अप्रोक्स 95%, कुछ आईसीज नहीं बनती है, उसके लिए परफेक्ट स्टेंसिल ले सकते हैं।
तो यहाँ पर हम पीपीडी जो है अप्लाई कर देंगे। पीपीडी मेरे पास मैकेनिक का है, ज्यादा महंगा पीपीडी भी मैं यूज नहीं करता हूँ, इससे काम हो जाता है। ठीक है, अभी एयर और टेम्परेचर हम यहाँ पर 320 डिग्री सेल्सियस मैंने टेम्परेचर रखा है, एयर मैंने यहाँ पर रखी हुई है 30। ठीक है, इस पर हम इजीली जो है हमारी आईसी प्रॉपरली बन जाती है। कोई सी भी आईसी रिबोल करना हो सेम वोल्टेजेस सेम एयर आप रख सकते हैं। ठीक है, आईसी हमारी जो है रिबोल हो चुकी है, अभी इसको निकालेंगे बाहर। आईसी जैसे ही रिबोल हो थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, सभी बॉल्स जब तक ड्राई नहीं होंगे तब तक हमको स्टेंसिल नहीं उठाना है, वरना हमारा सारे बॉल्स जो है खराब हो जाएंगे। ठीक है, आईसी को अच्छे से क्लीन करने के बाद लास्ट में इसको हम फाइनल हीट करते हैं, उसमें हम थोड़ा सा अच्छी क्वालिटी का फ्लक्स लेंगे जिससे हम इसको सभी बॉल्स को जो है रिहोट करेंगे। ठीक है, आईसी को इंस्टॉल करेंगे, जब भी आईसी को लगाएंगे इसका हम एक साइन होता है, उसका ध्यान रहे कि साइन किधर रहने वाला है, उसको हम उसी तरफ रखेंगे जो डॉट होता है आईसी का, डॉट का ध्यान रहे, आईसी का डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए वरना आईसी बिल्कुल भी काम नहीं करेगी। ठीक है, आईसी को लास्ट में हम थोड़ा सा पेस्ट देकर एक और फाइनल टच करेंगे जिससे कि हमको पता चलेगा कि आईसी जो है चारों तरफ से प्रॉपरली कनेक्ट हो गई है। ठीक है, तो गाइस देख सकते हो फोन यहाँ पर जो है ऑन हो गया है। तो फोन में जो प्रॉब्लम था वो सीपीयू का ही था, लेकिन हमने पूरा सीपीयू नहीं बनाया है इसका, हमने सिर्फ इसका रैम रिवॉल्व किया देन फोन हमारा जो है ऑन हो गया है। ठीक है, सीपीयू इसका अभी भी पेस्टेड है, सीपीयू हमने बाहर नहीं निकाला है। फोन में जो प्रॉब्लम था वो रैम का ही था, तो हमने रैम को रिपेयर किया और फ़ोन जो है हमारा रिकवर हो गया। देख सकते हो फ़ोन पूरा वर्क कर रहा है। सो इस तरह से हमने इस फ़ोन को बनाया है। इसी तरह के वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।